बलायन धार के समीप ऑल्टो कार एक्सीडेंट में गई वेटनरी फार्मासिस्ट की जान। एसडीएम संगड़ा के अनुसार मृतक के आश्रितों को जारी की गई 25,000 की राहत राशि। वेटनरी हॉस्पिटल बोगधार में कार्यरत थे भानरा गांव के 52 वर्षीय सुरेश कुमार। घायल को 108 से सीएससी नौराधार पहुंचाए जाने पर डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया। संगड़ा बोगधार नौराधार मार्ग पर बलायन धार के समीप गुरुवार साय एक कार एक्सीडेंट में वेटनरी फार्मासिस्ट सुरेश कुमार की घटनास्थल पर ही डेथ हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पशु चिकित्सालय बोगधार में कार्यरत सुरेश कुमार अपने घर जा रहे थे और अचानक उनकी अल्टो कार HP 16 6145 मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल उन्हें खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस से सीएससी नौराधार पहुंचाया गया, मगर यहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। एसडीएम संगड़ा सुरेश कायत व तहसीलदार नौराधार सितेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के आश्रितों को सिरमौर जिला प्रशासन अथवा प्रदेश सरकार की ओर से 25,000 की तुरंत राहत राशि जारी की जा चुकी है। डीएसपी संगड़ा मुकेश कुमार डडवाल ने कार हादसे में 52 वर्षीय सुरेश कुमार की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि हादसे के कारणों को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। गौरतलब है कि अब तक एनएच और यहां तक की स्टेट हाईवे से भी वंचित हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र रहा उपमंडल संगड़ा व रेणुकाजी हल्का रोड एक्सीडेंट में जान जाने की दृष्टि से काफी संवेदनशील समझा जाता है और अन्य हिस्सों की वजह यहां वाहन हादसों में ज्यादा मौतें होती है। क्षेत्र की तंग व खस्ता हाल सड़कों पर जरा सी भी लापरवाही होने की सूरत में बचने की गुंजाइश कम रहती है, मगर इसके बावजूद नेताओं के बड़े बड़े दावे के मुताबिक क्षेत्र की सड़कों में संतोषजनक सुधार हुआ और न ही पुलिस प्रशासन रोड सेफ्टी क्लब सरकार की ओर से वाहन हादसे रोकने के संतोषजनक उपाय किए गए।